वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अब पूर्वी हिस्से में चुनाव पहुंच गया। अब जो दो चरण बचे हैं मतदान के, छठा और सातवां चरण, यानी 25 मई और 1 जून को जो मतदान होना है जिन हिस्सों में उत्तर प्रदेश के, वो पूर्वांचल के हिस्से हैं। और इस जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के 4 में से 3 सहयोगी दलों का इम्तिहान होना है। एक का हो चुका पश्चिम में, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी, उसका पश्चिम में इम्तिहान हो चुका कि वो भाजपा के लिए कितना लाभकारी रहे हैं, कितना शुभ रहे हैं। अब बाकी 4 में से एक का हो गया, बाकी 3 सहयोगी दल, घटक दल बचे हैं एनडीए के उत्तर प्रदेश में, जिनका जिनकी परीक्षा होनी बाकी है अब। और इस इनका टाइम शुरू हो रहा होता है आज से। कल पांचवें चरण का मतदान निपट गया, अब उत्तर प्रदेश में हलचल आ गई पूरब में। अब यहां ओम प्रकाश राजभर की सुभपा पार्टी जो है, सुहेल देव पार्टी, उसका इम्तिहान है। ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगता है कि वो बड़बोले हैं, यत्र तत्र सर्वत्र जहां जाते हैं वहां बताने लगते हैं कि मेरी पावर सबसे ज्यादा है, 2-2 मंत्रालय हैं मेरे पास, आदि आदि। सपा बसपा सब पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन अब उनका इम्तिहान आ गया। अभी तक तो बातें थी, अब आ गया पर्चा, इम्तिहान देना है। तो राजभर की परीक्षा भी शुरू हो रही है, उनको भी इम्तिहान में बैठना है, इम्तिहान देना है। अब बातों का समय गया, अब इम्तिहान का समय आ गया। राजभर का लड़का भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ रहा है आरो घोसी से। एक इम्तिहान तो घोसी में ही है उनका और उनकी पार्टी का, और दूसरा इम्तिहान पूरे पूर्वांचल में है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का ये दावा रहा है कि मेरा प्रभाव पूरे पूर्वांचल में है। घोसी के उपचुनाव में जब पराजय मिली थी भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को, तो भाजपा के भीतर उस पराजय की जो समीक्षा हुई उसमें यह भी माना गया कि ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव भी नहीं था शायद वहां उतना जितना बताया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि फिर दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी मंत्रिमंडल में आने के लिए। तो एक तो इम्तिहान राजभर का, दूसरा इम्तिहान अनुप्रिया पटेल का। अभी हाल में रघुराज प्रताप राजा भैया के मामले में कड़ी और बड़ी टिप्पणी करके चर्चा में आई है अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल की बेटी, अपना दल के एक धड़े की मुखिया, केंद्र में मंत्री। उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी है पूर्वांचल में अपनी बिरादरी के वोट भाजपा के खाते में ट्रांसफर कराने की पूरे। अब आप जिस कारण से महत्वपूर्ण बनाए जाते हैं उस कारण पर के का एक इम्तिहान का समय आता है, वो समय आ गया अनुप्रिया पटेल का भी। आप जिस कारण से मंत्री हैं, जिस कारण से एनडीए में हैं, वो कारण का समय अब आ गया। आपको इम्तिहान देना है और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को ये सिद्ध करके दिखाना है कि हम उपयोगी हैं। और तीसरा इम्तिहान संजय निषाद का, निषाद पार्टी का। उनका भी जोर आवाज ऊंची रहती है और दावा बड़ा रहता है राजभर की तरह। उनको वो भी बताते कि भाई पूर्वांचल में तो सारी सीटें हमारे प्रभाव क्षेत्र की हैं। तो संजय निषाद का भी टाइम शुरू होता है अब।
उनको भी भारतीय जनता पार्टी को ये सिद्ध करके बताना होगा कि आप परिणाम दे सकते हैं या नहीं। वो इसीलिए मंत्री है राज्य की सरकार में, और इसीलिए भाजपा यदा कदा उनके नखरे भी उठा लेती है कि भाई चलो इम्तिहान आएगा तो ठीक नंबर ले आएंगे तो ठीक है। लेकिन इन तीनों दलों का इम्तिहान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो 27 सीटें अब बची हैं, 53 पर वोट हो गया, 27 बची, उन 27 सीटों पर इन तीनों को कसौटी पर कस लेगी भाजपा, राजभर को, निषाद को, अनुप्रिया पटेल को। अगर ये लोग परिणाम दे पाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं दे पाते हैं तो स्वाभाविक है इनकी भूमिकाओं की पुनर्समीक्षा होगी, नए सिरे से इनकी मार्किंग होगी भाजपा हाईकमान में इन तीनों नेताओं की। और फिर भाजपा में ये चिंतन भी हो सकता है कि 27 में लोकसभा चुनाव के लिए इन पर कितना डिपेंड रहा जाए, इनको कितना महत्व दिया जाए, इनके साथ कैसा आचार विचार बनाया जाए, कैसा रिश्ता रखा जाए। ये सब चीजें इस बात पर निर्भर करेंगी कि जो अब जो 27 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिनमें वोट होना शेष है छठे और सातवें चरण में, उनमें इन तीनों दलों का योगदान भाजपा के लिए क्या रहता है। बूथवार समीक्षा होगी इन तीनों नेताओं की, पार्टियों की, क्षेत्रीय दलों की। उसमें आजकल चूंकि इतना सब वैज्ञानिक ढंग से चीजें होती हैं कि उसमें कहीं कोई दुराव छुपाव की गुंजाइश नहीं, कोई आप ये नहीं हो सकता कि बढ़ चढ़ के बता दें, जो हुआ ना हो वो अपने खाते में दिखा दें, ऐसा संभव नहीं। भाजपा का ये मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पर है। तो बूथवार समीक्षा होगी राजभर की, अनुप्रिया की और संजय निषाद की। अब देखना होगा इस इम्तिहान में इन तीन नेताओं में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, और जो पास होता है उनमें कौन अच्छे नंबरों से पास होता है, कौन सामान्य नंबरों से पास होता है। इसलिए अब ये जो 14 दिन बचे हैं चुनाव के पूरी प्रक्रिया की, इसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इन तीनों नेताओं को कमर कस के मैदान में उतरना होगा, लड़ना होगा, भाजपा को अपना योगदान सिद्ध करके दिखाना होगा। धन्यवाद। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।